अकामे की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया, अगर अकामे की बुनियाद पर ही ख्वाजा साहब नाअहल हो जाते हैं सर, फिर तो नून लीग की सियासत बिल्कुल दफन होती नजर आई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप देखें, मियां साहब की नाअहली होगी, बुनियाद बन गई, मगर अगर मियां साहब की नाअहली के बावजूद एक बात तय करेंगे, नून लीग की सियासत अभी है, नून लीग अभी जो है वो सियासी तौर पर जो है वो मुतहरिक जमात है, एक शख्स के जाने से जो है वो पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ अगर फैसला आता है तो उससे नून लीग पर कोई बहुत ज्यादा जो है वो कोई हाँ धचका जरूर होगा, मगर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए, ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया हुआ है, उस्मान डार का ये कहना है कि ये डिक्लेयर नहीं था, तो ये बड़ा सिंपल सा मैटर है और इस पर अगर जो है वो सच और झूठ का फैसला होना है तो फैसला बहुत हद तक इम्कान है कि वो 62(1)F पर आए, और ये अगर 62(1)F पर तो अकामे का ये दूसरा झटका होगा। और इसी तरह से जो है वो एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी आपने ये देखा है, वो उनका भी अकामे का मामला है, तो ये जो मिस डिक्लेरेशन है ये एक बड़ा इशू होगा, ना सिर्फ नून लीग के लिए बल्कि अगले इलेक्शन से पहले बाकी पार्टियों के लिए भी, क्योंकि देखें अब जब सबको पेपर्स फाइल करने पड़ेंगे। मुस्तफा साहब सर, मैं आ रही हूँ सर आपकी तरफ। हाँ। जी आप कंप्लीट कर ले सर, मैं आती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पहले आपने जो है वो क्या कहा था और अभी जो है वो आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो क्या।